आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी। भारतीय जनता पार्टी के जिला किसान मोर्चा के द्वारा आज बीकानेर के उदयराम सर में बीएड कॉलेज में सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उत्तरदायित्व मोर्चा के महामंत्री दीपक यादव ने निभाया। कार्यक्रम में किसानों और जवानों को सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। इस सम्मान के समारोह में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हरीश पायल, बीकानेर बीजेपी अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य, हनुमान सिंह, अनिल शुक्ला, अशोक प्रजापत, जेठमाल नाहटा, मगराम नाई, प्रेम मारू, रामचंद्र नाखत सिंह, पूनम चंद पुनिया और कई गणमान्य लोग और छात्रा छात्राएं मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और बधाइयां दी और सभी ने पोस्ट कार्ड लिखे और प्रधानमंत्री को भेजे गए। बीकानेर से ब्यूरो रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। क्या आभार करते हैं उनके छात्र कार्यक्रम रखे है और ये आयोजन मान है, इनकी व्यवस्था मान है, सब लोग सहयोग कर धन्यवाद है। देश का प्रधानमंत्री विश्व मान जी को नल को भी यहाँ पर कह सकते हैं, नल को बता चुके हैं और सबसे लोकप्रिय है। नमस्ते 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 नमो नमः। आज शिक्षा के प्रांगण में मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत पहले मैं परम पूज्य समय सोमगिरी जी के साथ यहाँ पर आना हुआ था। सब संभवतः आप सब इस विद्यालय के विद्यार्थी नहीं रहे होंगे क्योंकि आपका पास दो वर्ष का होता है, पढ़ते और अन्यत्र शिक्षा की सेवा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी ने एक बात कही थी, जब गीता पे हमेशा की बात रखते हैं, इन्होंने प्रचार प्रसार करके अपनी बातों को इतनी अच्छी तरीके से लागू किया। सफल मोदी जी ने यह कानून जिन लोगों ने मेरे हिसाब से ईमानदारी से पढ़ा है वो सारी इस बात को गंभीरता से समझेंगे और जिन्होंने कानून को पढ़ाई उनकी तुम्हें बात नहीं कर सकती। सुधार की जो ये कानून है ये इतने अच्छे हैं, आपने ये सिंपल मैं आपको बताता हूं कि ये इंसान कहीं भी अपने खाद्य सामग्री को अपने अनाज को बेच सकता है, मंडी में बेचो, बाहर बेचो, राज्य में बेचो, दूसरे राज्य में बेचो, जहां उसको दाम अच्छे मिलेंगे वही वो बेचेंगे। एक एमएसपी एमएसपी के बारे में चर्चा होती है, पता लोगों को उसमें पता है नहीं पता, कुछ हिंदुस्तान के अंदर अभी ऐसा मालूम होना है कि उन कानूनों को लेकर उपद्रवी जो लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो हरी जी भाई साहब, मैं इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज जिस प्रोग्राम में आप किसान मोर्चा जो जिला कार्यकारिणी जो सम्मान समारोह है और आप जयपुर से पधारे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अवतरण दिवस भी है और हमेशा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात लोगों से शेयर करते हैं, तो आज जिस तरह से पोस्ट कार्ड जो आप लोगों ने जो जारी करवाए हैं, बच्चों से जो लिखवाए हैं और किस तरह से वो अपने मन की बात जाहिर करते हैं और इसके प्रोग्राम के अंतर्गत आप देश के और देशवासियों को और युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले ऐसे कर्मयोगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है और मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरीश पायला जयपुर से आपके बीच में बीकानेर शहर में पधारा हूं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात मंथ के अंतिम रविवार को जो आप सबसे करते हैं, आपसे भी निवेदन है कि पोस्ट कार्ड के जरिए अपने मन की बात उसमें लिखकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश दें और आगामी ऐसे कार्यक्रम देश में होते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम माननीय मोदी जी के उज्ज्वल भविष्य की और दीर्घायु की कामना करते हैं। थैंक यू।